हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है एक बार फिर से माय बॉलीवुड में। आज मैं मूवी रिव्यू करने वाली हूं अभिषेक चौबे की फिल्म रात अकेली है क्या। ये फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है जिसे अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट किया है। अभिषेक चौबे जिन्होंने उड़ता पंजाब, डेट इश्किया, सौंचरिया जैसी हमें फिल्में दी, वहीं अब वो लेकर आए हैं नेटफ्लिक्स पर अपनी एक फिल्म जिसका नाम है रात अकेली। अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। तो फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपने ऐसी कई फिल्में भी देखी होंगी जिसमें पॉलिटिशियंस को मार दिया जाता है, फिर बहुत करप्शन होता है, बहुत सारी ऐसे मिस्टीरियस चीज़ें होती है। वहीं इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है। फिल्म में जो है एक रघुवीर होते हैं, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन, एक ओल्ड मैन होते हैं जिन्हें मार दिया जाता है उनके घर के अंदर ही घुस के। तो जैसे उन्हें मारा जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मिस्टीरियस डेथ होती है जिसे एक पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंपा जाता है जिनका नाम जटिल यादव होता है। जटिल यादव का जिन्होंने किरदार निभाया है उनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ही जटिल यादव का रोल निभाया और काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। और वो किस तरीके से पूरे इसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे पता चलती है, बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, टर्न्स आते हैं और ये जो कहानी है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। आपको ये फिल्म देखने के बाद थोड़ा बहुत पाताल लोक की भी याद आ जाएगी। जी हाँ, पाताल लोक में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ही मिस्टीरियस होती है, जिन्हें देखने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि अब क्या होने वाला है आगे। वैसे इस मूवी में भी ऐसे ही लगातार आपको आप ये सोचते हो शिट ये क्या हो गया, ओके अब ये क्या होने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ ट्रैक करती है और बहुत ही ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है। अब अगर फिल्म की पॉजिटिव्स की बात की जाए तो नंबर वन, तो फिल्म के डायरेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आपको ये फिल्म बांधे रखती है, ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि अब ये फिल्म बोरिंग हो रही है। नंबर टू, जो एक्टर्स हैं उनकी जो एक्टिंग है वो कमाल की है, जो आपको ना सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी बल्कि राधिका आप्टे से लेकर तिग्मांशु धूलिया सभी की एक्टिंग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। नंबर थ्री, स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सब पर एक ना एक बार सब पर ऐसा लगता है, शक होता है कि हाँ ये ही वो बंदा है जिसने मर्डर किया है, लेकिन ये फिल्म में आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा एंड तक कि आखिर मर्डरर कौन है। तो ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लगने वाली है। नंबर फोर, बात करें तो इस फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी अमेजिंग है। आपको बता दें ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 31 जुलाई को आ चुकी है, आप इसे देख सकते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप एक बार ज़रूर ये फिल्म देख सकते हैं। हमारी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स।